9 टिप्स फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप चाहेंगे कि आपकी एक अच्छी जोरदार पर्सनालिटी हो, और अगर आपकी पर्सनालिटी जोरदार है, एक अच्छी पर्सनालिटी है, तो आप कहीं भी जाते हैं, जॉब करने, बिजनेस करने, सेल्स मीटिंग में, कस्टमर के पास, हर जगह आपको कामयाबी मिलती है। तो ये 9 टिप्स, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा एंड तक, विल हेल्प यू मेक ए ग्रेट पर्सनैलिटी। नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कहाँ से आने वाला है? स्विच ऑन ऑफ होके, जी हाँ, होता है। NLP में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में, हम सिखाते हैं कि कॉन्फिडेंस आप एक बिजली के बटन की तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं, एक अपना एंकर बना लीजिए। एंकर क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, प्लेयर्स ऐसे करते हैं, जब भी कुछ जीतते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, एक विनर बॉडी पोज बनाते हैं। आप ऐसा एक एंकर बना लीजिए, जैसे मेरा एंकर है, मैं हर मीटिंग से पहले, हर पब्लिक स्पीकिंग सेमिनार से पहले ऐसे करता हूँ, यस आज का दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, और मेरा कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बढ़ जाता है। नंबर 1। दूसरा, आप अगर अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो भी आप करते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, तो आप अपने आप कॉन्फिडेंट होंगे कि नहीं होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, ये लर्नेबल स्किल है। अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल है, आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं, हर तरह के आदमी को जान के पहचान के, किससे किस तरह से, छोटे से कैसी बात करनी, बड़े से कैसी बात करनी है, बॉस से कैसी बात करनी है, एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, अगर आप ये सब कम्युनिकेशन स्किल्स सीख लेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा बहुत बढ़िया रहेगी। ड्रेस अप वेल। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत महंगे या ब्रांडेड कपड़े पहनिए, लेकिन अप्रोप्रिएट कपड़े पहनिए। आज एक आर्मी ऑफिसर, वो पावर नहीं फील करेगा, और आप भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे अगर वो आर्मी यूनिफॉर्म में नहीं है। ऐसे ही एक पुलिस पहन, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं है, तो लोग उसको आम आदमी समझेंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर आप बिजनेस मैन हैं, कोच है, एक CEO है, अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग, मौके के हिसाब से और अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप ड्रेसअप करेंगे, यू विल ऑलवेज शाइन। बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक विनर्स की बॉडी लैंग्वेज, एक लूजर्स की बॉडी लैंग्वेज। विनर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है ये? विनर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है ये? विनर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या है ये? ओपन शोल्डर, सीना ताने हुए, छाती बाहर, दिस इज विनर्स बॉडी लैंग्वेज। लूजर्स बॉडी लैंग्वेज इज दिस, कंधे झुके हुए, चेहरे पे परेशानी की झुर्रियाँ, हाथ ऐसे बंधे हुए। वंस व्हेन यू हैव विनर्स बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कहा गया, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, इफ़ यू हैव विनर्स बॉडी लैंग्वेज, या आप ये बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करके किसी मीटिंग में जाते हैं, सेल्स मीटिंग में जाते हैं, जॉब इंटरव्यू पर जाते हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लीडरशिप स्किल्स, ये स्किल्स भी सीखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक लीडर हैं, अपने ऑफिस में आप एक लीडर हैं, अपने असिस्टेंट्स के सामने, अपने घर में अपने बच्चों के सामने लीडर्स हैं। लीडरशिप स्किल में नंबर 1 आता है वॉक द टॉक, जो आप कहें वो खुद करके दिखाएं। इस तरीके से बहुत सारी लीडरशिप ट्रेट्स होती हैं जो आपको सीखनी चाहिए, अपनानी चाहिए, एंड दैट विल ऐड टू योर पर्सनैलिटी। बी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव। लोगों को पॉजिटिविटी बहुत पसंद आती है, ये बड़ी एनर्जी और पॉजिटिविटी बड़ी इन्फेक्शियस है, बहुत जल्दी से फैलती है। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, आपको जॉब पे रखना चाहेंगे अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। लिसनिंग स्किल्स, इसकी प्रैक्टिस में तो सालों लग जाते हैं, मुझे तो 30 साल लग गए ये प्रैक्टिस करने में, कि सामने वाला अपनी बात ख़त्म करे तब मैं कुछ बोलूँ, और कम से कम बोलूँ, सामने वाले को मौका ज़्यादा दूँ बोलने का। कहते हैं, टॉकिंग इज शेयरिंग, लिसनिंग इज केयरिंग। तो प्रैक्टिस लिसनिंग स्किल, दैट विल ऐड टू योर पर्सनैलिटी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी ए गुड लर्नर। इंग्लिश लैंग्वेज के 3 वर्ड बड़े खतरनाक हैं, आई नो एवरीथिंग। आप लोग स्कूल कॉलेज के बाद पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन पढ़ाई और सीखना, लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग काम है। तो अगर आप ये सारी स्किल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो देखिए आपकी पर्सनैलिटी कैसे शाइन करती है, आपको ज़िंदगी में सफलता पे सफलता, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो लोगों से मिलना हो, या किसी भी तरह के नेटवर्क पे, आप हमेशा यू विल शाइन।